देखो फाइनली टाटा अल्ट्रोज के सीएनजी मॉडल के बुकिंग स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको अल्ट्रोज के सीएनजी मॉडल को बुक करना है तो आपको देने पड़ेंगे 21,000 रुपीज़। आप इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या फिर सिंपली आप नियर बाय टाटा के शोरूम में जाकर अल्ट्रोज के सीएनजी मॉडल को बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अल्ट्रोज का सीएनजी मॉडल बलेनो के सीएनजी मॉडल को टक्कर दे पाएगा कि नहीं, क्योंकि ये कार बलेनो के साथ कम्पीट करती है और इस सेगमेंट के अंदर फिलहाल के लिए बलेनो का राज है। हर महीने टाटा अल्ट्रोज 3,000 से लेकर 4,000 के बीच में सेल होता है, यानी 3,000 से लेकर 4,000 अल्ट्रोज इंडियन मार्केट में बिकती है। वही बलेनो के 15,000 कभी 16,000 कभी 17,000 यूनिट आराम से बिक जाते हैं हर महीने। अगर मैं पिछले महीने के डेटा को कंपेयर करूं तो लास्ट मंथ टाटा अल्ट्रोज के 3,862 यूनिट बिके थे, लेकिन बलेनो के 16,168 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको टाटा अल्ट्रोज के सेल्स में और बलेनो के सेल्स में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बलेनो का सेल कितना ज्यादा होता है और इसकी डिमांड कितनी ज्यादा है। इसी वजह से आपको अल्ट्रोज का भी सेल थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज के डेट में बलेनो के अंदर एक पेट्रोल और एक सीएनजी किट दिया जाता है, वही दूसरी तरफ अल्ट्रोज के अंदर एक पेट्रोल और एक डीजल इंजन का ऑप्शन दिया जाता है, और बहुत जल्दी आपको अल्ट्रोज के अंदर सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। टाटा की अल्ट्रोज पेट्रोल इंजन के साथ लगभग 87 बीएचपी की पावर आउटपुट और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेती है, और इसी इंजन के साथ आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिलने वाला है। वही बलेनो लगभग 88 बीएचपी की पावर आउटपुट और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेती है। हालांकि यहाँ पर बलेनो लगभग 19 से लेकर 24 का माइलेज देती है पेट्रोल इंजन के साथ, और इसका सीएनजी मॉडल लगभग 30.61 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देता है, यानी 30 के आसपास आपको बलेनो के सीएनजी मॉडल के साथ आराम से माइलेज मिल जाएगा। वही अगर मैं अल्ट्रोज की बात करूं तो अल्ट्रोज का पेट्रोल मॉडल लगभग 18 से लेकर 19 का माइलेज दे देता है पेट्रोल में, और डीजल इंजन के साथ अगर आप जाते हो तो अल्ट्रोज का डीजल इंजन आपको लगभग 24 का माइलेज देने वाला है। खैर यहाँ पर हम डीजल के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ सीएनजी और पेट्रोल इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। अल्ट्रोज का सीएनजी मॉडल लगभग आपको 26 के ऊपर माइलेज दे सकता है, क्योंकि आज के डेट में टिगोर के अंदर सीएनजी किट दिया जाता है, टियागो के अंदर भी आपको कंपनी फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा, और दोनों ही कारें लगभग 26 के ऊपर माइलेज दे देती है। तो ये एक्सपेक्टेड माइलेज बताया जा रहा है कि टाटा की अल्ट्रोज सीएनजी किट के साथ लगभग 26 के ऊपर माइलेज दे सकती है। शायद ये माइलेज 30 के ऊपर भी जा सकता है और आपको बलेनो से भी ज्यादा माइलेज मिल सकता है, क्योंकि टाटा अल्ट्रोज के अंदर ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसके तहत आपको कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट आपको टाटा अल्ट्रोज के सीएनजी मॉडल का देखने को मिल जाएगा। वही दूसरी तरफ बलेनो के अंदर सिंगल सिलेंडर दिया जाता है सीएनजी किट का, और इस चीज की मदद से आपको बूट स्पेस यहाँ पर ना के बराबर मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको टाटा अल्ट्रोज के अंदर बूट स्पेस भी ज्यादा मिलेगा और माइलेज भी थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर ट्विन सिलेंडर का ऑप्शन दिया जाएगा, वहां पर कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वहां पर आपका माइलेज थोड़ा सा बढ़ सकता है। आज के डेट में बलेनो के सिर्फ डेल्टा और जेटा वेरिएंट के अंदर सीएनजी किट दिया जाता है, लेकिन टाटा अल्ट्रोज के एक्ससी वेरिएंट के अंदर सीएनजी किट दिया जाएगा, जो कि बेस वेरिएंट है। इसके ऊपर एक्सएम प्लस वेरिएंट के अंदर आपको सीएनजी किट मिलेगा, और एक्सजेड और एक्सजेड प्लस मॉडल के अंदर भी आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिलने वाला है। यानी टाटा अल्ट्रोज के 4 अलग वेरिएंट के साथ सीएनजी किट ऑफर किया जाएगा, वही बलेनो के सिर्फ 2 वेरिएंट के अंदर सीएनजी किट दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको टाटा अल्ट्रोज के अंदर एक एडवांटेज ऐसा देखने को मिल जाएगा कि आप इसका बेस मॉडल भी खरीद सकते हैं। अगर आपका बजट काफी ज्यादा कम है, उस केस में आपके काफी ज्यादा पैसे बच जाएंगे, आपको माइलेज भी मिलेगा, आपको बूट स्पेस भी मिलेगा, और आपको 5-स्टार रेटिंग्स भी मिलने वाली है टाटा अल्ट्रोज के साथ। तो ये पॉजिटिव पॉइंट आपको टाटा अल्ट्रोज का देखने को मिल जाएगा। वही दूसरी तरफ बलेनो के सिर्फ डेल्टा और जेटा वेरिएंट के अंदर आपको कंपनी फिटेड सीएनजी किट मिल जाएगा। डेल्टा मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 8,35,000 रुपीज, ये मैंने एक्सशोरूम प्राइस आपको बताई है। वही सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 9,36,000 रुपीज तक चली जाती है। इसके अलावा अगर आपको बलेनो का जेटा वेरिएंट लेना है सीएनजी किट के साथ, तो आपको देने पड़ेंगे 9,28,000 रुपीज, ये मैंने एक्सशोरूम प्राइस आपको बताई है। और सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 10,39,000 रुपीज तक चली जाती है। तो यहाँ पर दोनों ही मॉडल की कीमत आपके सामने है। वही अल्ट्रोज के सीएनजी मॉडल को खरीदने के लिए आपको 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के आसपास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेट्रोल मॉडल। और अल्ट्रोज के सीएनजी मॉडल की डिलीवरीज नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएंगे, तो इस महीने के एंड में या फिर अगले महीने के स्टार्टिंग में इस
कार के प्राइजेस को अनाउंस किया जाएगा। जैसे ही अल्ट्रोज के प्राइजेस अनाउंस हो जाते हैं मैं आप लोगों के साथ जरूर अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है। लेकिन एक चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि क्या टाटा अल्ट्रोज का सीएनजी मॉडल बलेनो के सीएनजी मॉडल को टक्कर दे पाएगा कि नहीं, या फिर जब टाटा अल्ट्रोज का सीएनजी मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा उसके बाद टाटा अल्ट्रोज का सेल इंप्रूव होगा कि नहीं, या फिर बलेनो इसको ऐसे ही टक्कर दे देगी। इसके बारे में आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।